सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद अ ब्रांड न्यू Q&A और ये है हमारे चैनल का पहला Q&A। और 5 दिन पहले मैंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी अपने चैनल पे। मैंने एक छोटा सा मीम रिव्यू करा था जो बेकार गया था, और एक Q&A की अनाउंसमेंट करी थी तो उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं आए हैं, बट कुछ पहले वीडियो के अंदर क्वेश्चंस थे और कुछ ऐसे ही लोगों के डाउट्स थे, कॉमन डाउट। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वही बात करने वाले हैं। और इस चैनल के लिए मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है, तो एक काम करते हैं, अपने दूसरे चैनल का इंट्रो मैं आज इस वीडियो में डाल देता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत काम चला लेंगे। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहे मेरे पास कुछ कमेंट्स जिनको मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट लेके और क्रॉप करके रखा हुआ है। बट उससे पहले कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डालता हूँ। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं वीडियो एडिट कैसे करता हूँ। सो वो मैं करता हूँ वंडर शेयर फिल्मोरा से, जो कि यहाँ पे दिख गया। दूसरा कि मैं अपना स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। सो कभी कभी होता है जो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वो पैरट के अंदर एक इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से ही डला हुआ आता है, मैं उससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। या फिर एक ये OBS स्टूडियो मैंने इसके अंदर डाल रखा है, मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लेता हूँ और एडिटिंग मेरी वंडरशेयर से हो ही जाती है। और रहा मेरा थंबनेल, सो वो मैं ऑनलाइन बना लेता हूँ कैसे भी। 2-4 वेबसाइट है, मैं आपको भी बता देता हूँ। सो एक कैनवा है, एक फोटो जेट है, मतलब कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इस चैनल के ऊपर कुछ ज़्यादा खास थंबनेल बनाने नहीं होते, बस थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह डालना होता है, इमेज डालनी होती है, सो वो मैं ऑनलाइन ही कर लेता हूँ। एंड अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कौन सा कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करता हूँ। सो मेरे पास है एसर का एक लैपटॉप जिसके अंदर i3 प्रोसेसर है, 6th जनरेशन का, एंड 4GB रैम है। एक बेसिक सा लैपटॉप है, करीब 3-3.5 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो ये सब कुछ बातें हो गई, अब मूव करते हैं Q&A के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सौरभ झा से। सो ये मेरा फ्रेंड है बेसिकली। सो भाई से सेमी कोलन कहते हैं, बाकी वीडियो थे बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ये है नहीं, लेकिन ये जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज़ करता है, थे करके वाले, बनना चाहता है ये जाट। सो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी बीम रिव्यू वाली, उसी पे इसने कमेंट करा था, क्योंकि मैंने बोला था वो कोई डॉट है, क्या कॉलन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, सेमी कॉलन है वो। सो थैंक यू भाई बताने के लिए। फिर ये है राहुल कुमार, आपसे बात करनी है। तो हाँ, इस बंदे को मैं जानता हूँ, उसने मेरी वीडियो से मेरा नंबर लेके कॉल कर ली थी और इंस्टा पे भी मैसेज किया था, तो बात करी थी भाई से मैंने। तो थैंक्स भाई, आपने समझा, आपने बात करी मुझसे। रेडवेयर मूवीज़, तो ये है ब्रो, प्लीज़ मेक डिटेल वीडियो ऑन ईच टूल्स, योर वीडियोज़ आर रियली गुड। सो हाँ, ये मेरी पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ पे इन्होंने कमेंट किया था कि हाँ एक डिटेल वीडियो बनाओ हर टूल के बारे में। सो भाई टेंशन मत लो, डिटेल वीडियोज़ आने वाली हैं, होपफुली इसी वीडियो के बाद से मैं पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले जितने भी टूल्स हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। सो वेट करो, इसके बाद शायद वही वीडियो आएगी और काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। फिर यहाँ पे है एक निश्चित KV, तो यहाँ लिखा है हाउ टू ऐड VPN एक्सटेंशन इन मोज़िला फायरफॉक्स, प्लीज़ रिप्लाई। सो रिप्लाई मैंने कर दिया था भाई को, बट मैं एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। तो ये रहा, मैं बेसिकली यही यूज़ करता हूँ, मैं क्रोम वगैरह यूज़ नहीं करता। सो यहाँ पे आप कोई भी फ्री VPN ऐसे डाल दीजिए, फ्री VPN फॉर फायरफॉक्स, और एक का मैं नाम आपको बता देता हूँ, ब्राउसेक। तो यहाँ पे आ गया ब्राउसेक, और ये रहा ब्राउसेक फ्री VPN, अनलिमिटेड VPN। तो यहाँ पे आ गया, और इसमें इसके यहाँ पे एक्सटेंशन में इसको इजीली लगा सकता हूँ, और यहाँ पे ये एड ऑन्स के अंदर आता है हमारा। सो ये पहले यहाँ पे ही कुछ इसने बता दिया हमको, डक डक गो ब्राउज़र। सो इसके अंदर VPN भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। और वापस मूव करते हैं कमेंट्स पे। फिर आता है अभिषेक शर्मा, सो ये भी मेरा दोस्त है भाई, मस्त है, मैं खुद BCA कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कंप्लीट कब होगी। सो भाई होपफुली हम सबकी BCA कंप्लीट हो जाएगी, लॉकडाउन की वजह से सब घर पे पड़े हैं, मज़े कर रहे हैं। मैं भी रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 3 दिन से कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और वैसे जब काम रहता था तो हफ्ते भर में आती थी, कभी कभी तो एक एक महीने का गैप ले लिया मैंने। सो थैंक्स भाई तूने कमेंट करा। फिर आ जाते हैं जिद्दी गर्ल सैनी जी, 4 मंथ पहले का कमेंट है भाई, हमसे नहीं हो रहा, प्लीज़ हेल्प मी। सो पता नहीं कौन सी वीडियो पे कमेंट करा था, मैं चेक कर लूँगा, बट मुझे सीरियसली नहीं पता कौन सी वीडियो पे इन्होंने कमेंट करा था, मैंने शायद रिप्लाई भी नहीं करा, करा होता तो याद रहता, शायद फेसबुक हैक वाली पे होगा ये कमेंट। मूव करते हैं साक्षी झा, ब्रो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्किंग एंड प्रोग्रामिंग एंड विच वन इज़ बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो चलिए आपका ये डाउट पूरा कर देते हैं हम। तो सबसे पहली बात कि ये दोनों फील्ड पूरी तरीके से अलग हैं। सो जो प्रोग्रामर्स होते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं, ये गेम वगैरह OS भी ये प्रोग्राम करते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, और जो नेटवर्किंग वाले लोग होते हैं
सो मैं नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं नेटवर्किंग से ही जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कोर्स भी नेटवर्किंग से रिलेटेड ही किया हुआ है, सो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ और प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो मैं प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल दूँ, बट मैं नेटवर्किंग के बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ। सो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों का, उनको लगता है नेटवर्किंग वाले लोग बस केबल्स लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं, इथरनेट केबल को इधर से उधर करते हैं, तो नहीं, ये भी काम होता है नेटवर्किंग के अंदर, बट इससे भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक इसका पार्ट होता है। तो ऐसा मत समझो कि नेटवर्किंग वाले लोग बस केबल्स वगैरह के साथ खेलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती है, राउटर के अंदर होता है, स्विच के अंदर होता है, बहुत सारी कमांड्स भी होती हैं इसके अंदर। फिर आ जाते हैं थोड़ा सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर आपको नेटवर्किंग वगैरह करनी है तो CCNA हो गया, सिस्को आपको कई सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, CCNP, CCNA और एक छोटा सा बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स भी कर सकते हैं। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो AWS भी शायद प्रोग्रामिंग के अंदर ही आता है, और भी कई सारे होते होंगे इसके अंदर, बट मुझे नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा कि कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं इसके अंदर। हाँ, और एक बात और, अगर हम जॉब की बात करें तो एक साल पहले का डेटा ये कहता है कि पर ईयर नेटवर्किंग के अंदर आपको मिलेगी 60,000 जॉब की अपॉर्चुनिटी निकलती है। अब ये पता नहीं डेटा सही है या गलत है, बट मैंने ऑनलाइन ही देखा था। और प्रोग्रामिंग के अंदर 233,000 जॉब निकलती हैं। सो जो भी हो, इतना तो सबको पता है कि नेटवर्किंग के अंदर जॉब्स कम है और प्रोग्रामिंग के अंदर जॉब्स ज़्यादा है। और एक और पॉइंट पर अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग को अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रोग्रामिंग ज़्यादा टफ होगी और नेटवर्किंग थोड़ी ईजी होगी, और चैलेंजेस नए नए आते हैं प्रोग्रामिंग्स के अंदर, नई नई चीज़ें बनती हैं, और नेटवर्किंग के अंदर इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सो अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं और कुछ नया नया करना है, एक चैलेंजिंग जॉब चाहिए, तो आप प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, बट आपको एक सिंपल चाहिए बस एक नेटवर्किंग का कोर्स कर लो। अब ये नहीं कि छोटा मोटा नेटवर्किंग के बाद CCNA करो, फिर CCNP करो, फिर उसके बाद एक और होता है, फिर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है, बट आगे बढ़ोगे तो दोनों के अंदर ही बढ़ते जाओगे, और वरना प्रोग्रामर भी गलियों में घूम रहे हैं और नेटवर्किंग वाले भी गलियों में घूम रहे हैं, ये एक सच्चाई है। तो साक्षी झा, आपका सवाल और हमने आपका दे दिया जवाब, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो ये है रवि रोशन, लिखते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं क्या टू फाइंड एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन अ कॉल? अरे कहना क्या चाहते हो, ये तो यार पुलिस वालों का काम होता है। तो ये कमेंट इन्होंने किया था मेरी लोकेशन ट्रैक वाली वीडियो पे, तो मैंने शायद इनका रिप्लाई भी किया था। और रही बात मोबाइल नंबर के थ्रू, तो भाई मैं एक बनाने वाला हूँ वीडियो की एग्जैक्ट लोकेशन किसी बंदे की कैसे निकाली जाती है। हाँ, वो वीडियो अभी बस बनाने वाला हूँ, बना दूंगा, आप देख लेना। रिडो, ये कौन है भाई? ब्रो, आफ्टर ओपनिंग अनाउंसर माई नेट वॉज गॉन, सो कैन यू प्लीज हेल्प मी? यस भाई, ऑफकोर्स। सो हाँ, ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि जब हम अनाउंसर को ऑफ नहीं करते और डायरेक्ट अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन कर देते हैं और ऑन करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। सो ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार उसको ढंग से ऑफ करो, एक बार प्रॉपरली ऑफ करो और उसको दोबारा से अनाउंसर को ऑन करो, स्टार्ट करो, सो काम कर जाएगा वो। मूव करते हैं नेक्स्ट, ये है अनलकी गेमर, भाई नाम क्या अनलकी गेमर। हाउ टू एग्जिट पैरट OS टू विंडोज? सिंपल है भाई, अगर आपने वर्चुअली चला रखा है तो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे शट डाउन करते हैं नॉर्मल शट डाउन करो, शट डाउन करने के बाद वो डिस्प्ले चली जाएगी और उसके बाद उसको आप VMware को या फिर आप वर्चुअल बॉक्स चला रहे हो तो उसको क्रॉस कर दीजिए और आप अपने विंडो में आ चुके हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये लिखा है हैक विद अली, काफ़ी पुराना कमेंट है यार, हो सकता है मैंने रिप्लाई भी कराओ बट याद नहीं, तो मैं बता देता हूँ। ब्रो, हाउ टू चेक इन CMD कमांड लैंड कनेक्ट वाईफाई पासवर्ड? सो इन भाई का सवाल है कि CMD के थ्रू वाईफाई का मतलब पासवर्ड कैसे देखना है, तो हाँ मैंने इस पर आई थिंक वीडियो तो बनाई होगी यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। CMD के ऊपर मैंने दो चार वीडियो बनाई थी, हाउ टू यूज CMD लाइक अ प्रो करके, मतलब ये ना हैकिंग विद CMD लाइक अ प्रो, तो इसी का सही। हाँ, ये 10 मंथ पुराना है, तो हो सकता है मैंने रिप्लाई भी कर दिया हो, बट मैं फिर से बता देता हूँ भाई कैसे करना है। सो CMD के अंदर दो चार कमांड्स लगती हैं, एक तो आ गया आपका ये WLAN शो प्रोफाइल, और उसमें एक चीज़ और होती है मुझे ठीक से याद नहीं, कि इज़ इक्वल टू हम लोग क्लियर कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो पासवर्ड होगा वो हमारे सामने प्लेन टेक्स्ट में क्लियर करके दिख जाएगा वाईफाई का। सो हाँ, यही होता है, और हो सकता है मैंने वीडियो के अंदर भी बताया हो जो मैंने ये 10 महीने पहले बनाई थी, या फिर आप देख लीजिए यार यूट्यूब पे, कई सारी वीडियो मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। सो फिर आते हैं नेक्स्ट कमेंट पर, ये है अभिषेक शर्मा, तो ये लिखते हैं आई ऑल्सो इंस्टॉल्ड काली लिनक्स इन माई PC, योर वीडियो इंक्रीजेज माई क्यूरियोसिटी। सो हाँ, थैंक्स भाई, थैंक्स आपके कमेंट के लिए, मैं बनाता रहूँगा ऐसी वीडियो, आप देखते रहिए, सीखते रहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है न्यूब अर, सो ये भी मेरा एक दोस्त है, और क्या लिख रहा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो थैंक्स भाई, अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कमेंट पे, तो ये है शिवम बस्तेरा, और ये भी मेरा दोस्त है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो इसने लिखा है मेका
प्लेलिस्ट साइबर न्यूज़। तो हाँ भाई, सजेशन के लिए शुक्रिया, मैं बना सकता हूँ क्योंकि ये इसने इस वाली वीडियो पे कमेंट करा था, साइबर अटैक ऑन इंडिया बाय चाइना। तो थैंक्स भाई सजेशन देने के लिए, मैं बनाऊंगा एक प्लेलिस्ट, बना देता हूँ साइबर न्यूज़ से, अगर देखते हैं बन पाए तो बना दूंगा। और ये कहाँ सो कमेंट हो गए हमारे यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा कमेंट मैंने लिए नहीं, मैंने आधे कमेंट्स के रिप्लाई तो कर ही दिए थे ऑब्वियसली, और बाकी वो थे थैंक्स फॉर दिस वीडियो, नाइस इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे वाले कमेंट्स से तो उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इतने ज़्यादा कमेंट अभी आते भी नहीं है यार, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बहुत पुराना चैनल हो चुका है, अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। हाँ तो, और सारी वीडियोस देखो मेरे चैनल की, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने बांटी है। हाँ तो, और खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।